हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ड्राइवर सिद्धांत चैनल और आप देख रहे हैं मारुति की हाइब्रिड कार नई इन्विसिटो जो कि टोयोटा हाईक्रॉस का एक कॉपी है और एग्जैक्टली सेम प्लेटफॉर्म सेम डिजाइन के साथ मारुति ने इसे लॉन्च किया है। देखने में अंदर से कार काफी अच्छी लग रही है, प्रीमियम कार है तो डेफिनेटली इसमें ये सब चीजें देखने को आपको मिलेगी। डोर हैंडल्स के पास ये जो अलग सा एक कलर कॉम्बिनेशन है वो काफी अच्छा लग रहा है। आप देख सकते हैं मेमोरी सीट्स दी हैं पहली बार मारुति कार में, ऑटोमेटिक सीट एडजस्टमेंट आया हुआ है। और अंदर से अगर देखेंगे तो क्योंकि ये हम हाइब्रिड मॉडल पे देख रहे हैं थोड़ा टॉप एंड मॉडल है, यहाँ पे लेदर फिनिश काफी अच्छी दी गई है। और अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपका चार्जिंग सॉकेट दिया गया है, सामान रखने की प्लेसमेंट की गई है और काफी बड़ा इसमें नीचे ये ग्लव बॉक्स दिया गया है। ओवरऑल केबिन काफी मतलब आपको प्रीमियम फील होगा बैठने पे, काफी बड़ी यहाँ पे स्क्रीन दी गई है और देख सकते हैं ऑटोमेटिक आपका गियर दिया गया है। आप इसको मैनुअल में भी चला सकते हैं, आपको होल्ड असिस्ट, ड्राइव मोड, ईवी मोड या ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने का है। यहाँ पे आपके यूएसबी चार्जिंग सॉकेट और सी टाइप चार्जिंग दी गई है। कप होल्डर्स दिए गए हैं, आर्मरेस्ट में आप बहुत सारा सामान रख सकते हैं, काफी अच्छा इसमें सामान रखने की जगह दी गई है। ओवरऑल ऊपर आपको एक बड़ी सी पैनोरामिक सनरूफ दी गई है। अब चलते हैं और सेकंड यहाँ पे पहले बात कर लेता हूँ, यहाँ पे पावर बटन दिया गया है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल काफी अच्छा लग रहा है देखने में। और यहाँ पे इसके एसी के कंट्रोल्स प्लस आप अगर देख सकते हैं क्रूज कंट्रोल और आपके यहाँ पे वॉइस कंट्रोल म्यूजिक कंट्रोल दिया गया है। साइड में भी आप देख सकते हैं बूट ओपनिंग का बटन है, पार्किंग बटन है। अब बात कर लेते हैं अगर बैक सीट पे तो देखिए इन एंड आउट इसमें काफी इजी है क्योंकि काफी वाइड ओपनिंग डोर्स दिए गए हैं। पीछे अगर हम बात करें तो एसी कंट्रोल दिए गए हैं, आप यहां से डिजिटल डिस्प्ले देख सकते हैं, ऑटो ऑन ऑफ आप फैन स्पीड कर सकते हैं। नीचे भी यहां पे चार्जिंग सॉकेट दिए गए हैं बट उसकी क्वालिटी मुझे थोड़ी सी कम लगी, बहुत अच्छी नहीं है। यहां पे अच्छा एक काम दिया गया कि यहां पे आप 4kg तक का कुछ भी हैंग कर सकते हैं। ओवरऑल यहां पे आपको ब्लाइंडर्स दिए गए हैं जो कंपनी फिटेड है तो वो आपको है। आर्मरेस्ट आपके जो है कैप्टन सीट्स में ये उतना मुझे शायद मतलब नहीं लगा स्ट्रांग। और बीच में ये आप देख सकते हैं यहां पे अभी आप सामान भी रख सकते हैं, कप होल्डर का यूज कर सकते हैं, प्लस अगर आपको इसको लेदर में जो फिनिश आती है वो भी इसमें करवा सकते हैं। ओवरऑल अभी मैं क्योंकि पीछे की तरफ होके बैठा हूं इसलिए मेरे को तो यहां पे लेगरूम का कोई इशू नहीं लग रहा है। जब कोई पीछे जाएगा उसको पीछे बैठना है तो मुझे अपनी सीट थोड़ी सी आगे करनी पड़ेगी। लाइट्स, एसी कंट्रोल ऐसे यहां पे दिए गए हैं, एसी वेंट्स दिए गए हैं। मैं वही आपको दिखा देता हूं पीछे जाना, इन एंड आउट काफी ईजी है इसमें, आपको बस इसको हल्का सा पुल करना है और आपकी सीट बहुत इजीली आगे चली जाती है। इसमें आप अंदर चढ़ के बहुत इजीली यहाँ पे बैठ सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा आपको बैठने में। लेकिन अगर आपकी हाइट 6 से ज्यादा है तो आपको शायद यहाँ पे थोड़ा सा इशू फील होगा। आप देख सकते हैं पीछे भी यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट दी है, मोबाइल रखने की जगह दी है, कप होल्डर दिए गए हैं। पीछे आपकी सिक्योरिटी सेफ्टी बेल्ट दी गई है। साइड में भी अगर मैं इस साइड बात करूं यहाँ पे कोई एसी वेंट्स ऊपर यही वाले काम करेंगे, पर कप होल्डर प्लस मोबाइल रखने की काफी अच्छी खासी जगह दी गई है। ओवरऑल इन एंड आउट में मैंने आपको बताया इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली, आप इजीली यहाँ बैठ सकते हैं। बहुत अभी तो क्योंकि ये कार एक नई है तो बहुत इजीली आगे पीछे हो पा रही है। और एक बार मैं इसका बूट दिखा देता हूँ आपको, तीन सामान होने के बाद भी इतना इसमें है। और बटन से आप क्लिक करके इसको क्लोज कर सकते हैं, इतना सामान आप रख सकते हैं, बटन से ओपन बटन से क्लोज है। ये आपकी खड़ी है जिमनी, किस किस को जिमनी पसंद आती है वो भी मेरे को बताना कमेंट करके। और ऐसा कुछ आगे का इसका लुक दिया गया है। यहाँ पे फॉग लैंप है, DRL दिए गए हैं, लाइट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी LED लाइट्स दी गई हैं, DRL दिए गए हैं, आगे पार्किंग सेंसर दिया गया है और सेम आपको इनोवा वाली पूरी सेफ्टी इसमें फील होगी। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, कैसी लगी आपको ये इन्विस्टो मारुति की बताइएगा प्लीज। मिलते हैं तब तक किसी और वीडियो पे, गुड बाय।